स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन लीचेस, कि लीच में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। तो इसमें इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जो कि हर इंडिविजुअल की बॉडी में पाया जाता है, और जो भी उस बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, चाहे वो जो जिस मर्जी फॉर्म में हो, अमोनिया की फॉर्म में हो, यूरिया की फॉर्म में हो, यूरिक एसिड की फॉर्म में हो, तो उसने एक्सक्रीट होना होता है, बॉडी से आउटसाइड मूव करना होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक इन नेचर होता है। अगर वो बॉडी में रहे तो वो नुकसानदा होता है, इसीलिए उसको एक्सक्रीट करना होता है। और उसको एक्सक्रीट करने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो लीचेस में, हाइड्रोमेडिसिनलिस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा, तो इसको डिटेल से हम देखते हैं। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें 17 पेयर्स होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लीचेस होती हैं उनके 33 सेगमेंट होते हैं। और उसमें हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा तो हमने देखा कि कुछ सेगमेंट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी रिपीट हो रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके टेस्टिस सेट हर सेगमेंट में अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो भी हर सेगमेंट में अलग अलग मौजूद होता है। तो इस ये कितने नंबर में होते हैं, ये 17 नंबर में होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, और इसमें और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये कितने होते हैं, ये 17 पेयर्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि लीच की बॉडी के अंदर उसके सेगमेंट में मौजूद इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्योंकि 17 सेगमेंट होते हैं, और जो फर्स्ट 6 सेगमेंट होते हैं वो जो है वो एंटीरियर साइड पर मौजूद होते हैं, वो जहाँ से टेस्टी स्टार्ट होती हैं, जहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, वहाँ से काफ़ी पहले मौजूद होते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं इस डायग्राम में कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक सेगमेंट में मौजूद है। कौन से सेगमेंट में मौजूद है, 6 सेगमेंट में मौजूद है। ये 6 में है, और ये 7th में, 8 में, 9 में, और 10 में, और 11 में। 6 से लेके जो 11 तक है वहाँ तक जो है वो टेस्टिस मौजूद नहीं है, यहाँ से टेस्टिस स्टार्ट हो रहे हैं। 12 जो सेगमेंट है वहाँ से टेस्टिस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो टेस्टिस स्टार्ट होने से पहले हैं उन नेफ्रिडिया को हम क्या कहेंगे, प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया। और ये किस सेगमेंट से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, ये 6 से स्टार्ट होके 11 तक जाते हैं, 11 तक। फिर जो है वो 12 सेगमेंट से स्टार्ट होके 22 सेगमेंट तक जो है वो रिमेनिंग 11 सेगमेंट्स आ जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया, ठीक है। ये 11 सेगमेंट से लेके कहाँ तक आते हैं, सॉरी 12 सेगमेंट से लेके 22 तक आते हैं। और ये जो है ये 11 ही नंबर होते हैं, और ये 6 ही नंबर होते हैं, और टोटल ये मिला के कितने बनाते हैं, 17 जो है वो पेयर्स बनाते हैं, और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, दोनों साइड्स पे होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे बहुत एक इलोंगेटेड क्रॉप मौजूद होती है, और क्रॉप के डाइवर्टिक्यूलम जो है वो इस साइड पे मूव कर रहे होते हैं। तो नेफ्रिडिया की जो पोजीशन होगी वो क्रॉप के डाइवर्टिक्यूलम जो होता है उससे वेंट्रोलेटरल साइड पे होगी, किस साइड पे होगी, वेंट्रोलेटरल साइड पे। तो ये इसकी पोजीशन थी। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, हॉर्स के शू की तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखें तो ये हमें हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, अगर इसको जूम करके देखें तो ये हमें कैसा नजर आएगा, हॉर्स के शू की तरह का। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरी डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं
के पूरी बॉडी के कौन कौन से रीजन यहाँ पे मौजूद हैं। तो फर्स्ट वाला रीजन क्या है, प्रोस्टोमियम है, ठीक है, जो कि एंटीरियर प्री ओरल चैम्बर और ओरल साइड पे होता है, बहुत ही एंटीरियर एंड पे होता है। उसके बाद ये हमें नेफ्रिडियम नज़र आ रहा है, जो 6 सेगमेंट से लेके 11 सेगमेंट तक यहाँ तक आ रहे हैं, और ये क्या है, ये प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम है। और फिर 12 से लेके 22 तक, ये 12 से लेके 22 तक आ रहे हैं टेस्टिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये टेस्टीज है, ये वाला सर्कल ये टेस्टिस सैक है, और हर टेस्टिक सैक के साथ वैस एफरेंस है, और एक कॉमन ही इसमें वैस डेफरेंस है, जिसके साथ सारी वैस एफरेंस जो है वो कनेक्ट कर रही है टेस्टिस सैक को वैस डेफरेंस के साथ। और यहाँ पे एपिडिडाइमस है, और ये क्या है, ये एट्रियम है, जो कि 10th सेगमेंट में पाया जाता है। और ये वजाइना है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये कौन से सेगमेंट में है, ये 11th सेगमेंट में है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 17th नेफ्रिडियम जो है वो लास्ट में मौजूद है, इसका मतलब ये कितने टोटल हैं, 17 है, ठीक है। और ये जो टेस्टिस सैक है ये कितने हैं, 11 है। अगर आपने टेस्टिस सैक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल पढ़नी है या इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरी एक वीडियो है इसके बारे में, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर यहाँ पे एनस है, और ये क्या है, ये पोस्टीरियर सर्कल। अब हम देखते हैं कि जो मेन नेफ्रिडियम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये सारे, अगर हम इसको जूम करके देखें, इसको बड़ा करके देखें, तो ये हमें कैसा नजर आएगा, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर और मौजूद होते हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से, इसमें मेनली 6 स्ट्रक्चर होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर पे होता है सिलिएटेड ऑर्गन, नंबर 2 पे है इनिशियल लोब, ये जो यहाँ से इस तरह क्वाइल हो रही है, नंबर 3 पे है एपिकल लोब, ये वाली, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, और फिर है मेन लोब। मेन लोब जो है उसके 2 लिम्स हैं, एक एंटीरियर लिम्ब है और एक पोस्टीरियर लिम्ब है, और एक इनर लोब है, और यहाँ से जो है वो वेजिकल डक्ट आ रही है, और वो किस में आगे शामिल हो रही है, जो है वेजिकल, मेन जो वेजिकल है, जो ब्लैडर के तौर पर फंक्शन कर रहा है, वहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है। और यहाँ पे नेफ्रिडियो पोर या एक्सक्रीटरी पोर है, जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी मूव कर जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो है मेन लोब। इसकी 2 लोब्स हैं, इस ये जो मेन लोब है, इसी वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर की जो शेप है वो हॉर्स शू लाइक इसकी शेप है। और मेन लोब की 2 लिम्स हैं, एक एंटीरियर है जो एंटीरियर साइड में मौजूद है और अपर साइड पे जा रही है, और एक क्या है, एक पोस्टीरियर है, और ये जो पोस्टीरियर लिम्ब है यही आगे कंटिन्यूस होके एपिकल लोब जो है वो बना रही है। अगर हम इसका इसके इंटरनल शेप देखें, तो ये कुछ सेल्स पे मुश्तमिल होती है, वो जो सेल्स होते हैं वो पॉलीहेड्रल इन नेचर होते हैं, पॉलीहेड्रल इन शेप होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये आगे जाके क्या बना रही है, एपिकल लोब। अब एपिकल लोब क्या है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर इसकी लोकेशन है, एंटीरियो पोस्टीरियर साइड पे ये मौजूद होती है, और इसकी जो शेप है वो जैसे एक वॉकिंग स्टिक का हैंडल होता है, वैसे ही इसकी हैंडल लाइक शेप होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनिशियल जो लोब है, ये इसके ऊपर ऊपर जो है वो कन्वोल्यूटेड है, इसके ऊपर जो है वो रोल अप हो रही है। तो ये क्या है, ये इनिशियल लोब है, और ये यहाँ से जो है वो इनर लोब आती है, इनर लोब जो है वो इसके इनर साइड से होगी मेन लोब के, और जो मेन लोब की जो कनकेव लाइक इसकी शेप होगी या कनकेव लाइक जो बाउंड्री होगी उसको ये कवर कर रही होगी जो होगी इनर लोब। और फिर यहाँ से एक्सक्रीटरी जो है डक्ट एक जा रही होती है, जिसको हम वेजिकल डक्ट का नाम देते हैं, और इसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो मूव करता हुआ ब्लैडर वेजिकल में आ जाता है, और फिर वेजिकल से आउटसाइड मूव कर जाता है। अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं सिलिएटेड ऑर्गन्स का, ये कैसा है, इसमें जो होता है, अगर हम वैसे बात करें तो जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक्सक्रीशंस को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या करता है कि ब्लड से अलग करता है, फिल्टर करता है, और फिर उसको एक्सक्रीट करवाता है। तो क्योंकि लीचेस में ब्लड की बजाय इनमें एक फ्लूड होता है जिसे हम हीमोसोल्यूमिक फ्लूड कहते हैं, ये जो फ्लूड होता है ये यहाँ से एक चैनल के थ्रू एंटर होता है,
इस चैनल के थ्रू इंटर होगा और यहाँ पे आके एक ऑर्गन होगा जिसे हम सिलिएटेड ऑर्गन कहते हैं। सिलिएटेड ऑर्गन्स वाले पोर्शन पे ये जो ट्यूब होगी ये थोड़ी स्वेल हो जाएगी, जिसको हम एम्प्यूला कहेंगे, ठीक है, स्वोलन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सिलिएटेड ऑर्गन मौजूद है, और इसका नाम हम क्या देंगे, पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्प्यूला। और ये सिलिएटेड ऑर्गन है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल से देखें तो इसमें कुछ रेजर वायर सेल्स होते हैं जो अमीबॉइड सेल्स और कार्प सेल्स जो कि हीमोसिलोमिक फ्लूड की कंपोजिशन में रोल प्ले करते हैं, उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहे होते हैं सिलिएटेड ऑर्गन। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो ईयर की लोब जैसा होता है, कान की लोब जैसा होता है, और इसमें जो है वो कुछ स्पॉन्जी सेल्स भी होते हैं, और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सिलिएटेड होती है। इसमें बहुत सारे सिलिया लगे होते हैं जो कि फंक्शन कर रहे होते हैं जो फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट में। और फिर यहाँ से इनिशियल लोब निकलती है जो कि पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना रही होती है। अब हम इसमें एक मेन बात ये देखेंगे कि ये जो होता है सिलिएटेड ऑर्गन्स ये सारे नेफ्रिडिया में मौजूद नहीं होता बल्कि टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया में मौजूद होता है, क्योंकि टेस्टिक्यूलर में ही टेस्टिस सैक होती है और उसी में ये मौजूद होता है, बाकी सब में ये मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा ये जो है ये एम्ब्रियोज में मौजूद होता है, एम्ब्रियोज में, ठीक है, जब कोई भी इंडिविजुअल एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसमें ये नहीं होता बल्कि एम्ब्रियोज में मौजूद होता है और वहीं पर सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो क्या होगा कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो यहाँ पे आएंगे और मूव करते हुए सारी डक्ट से होते हुए और साथ साथ जो भी होंगे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर होंगे बॉडी को वे एब्जॉर्ब होते जाएंगे और ब्लड में से फिल्ट्रेशन होगी, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो मूव करते हुए वेसिकल डक्ट से होते हुए ब्लैडर के थ्रू, ब्लैडर क्या है, वेसिकल है, वहाँ से नेफ्रिडियो पोर के थ्रू आउटसाइड चले जाएंगे। ये जो वेसिकल है ये स्टोर करता है, इसका फंक्शन होता है स्टोर करना नाइट्रोजनस वेस्ट को, और जब प्रॉपर टाइम आता है फिर ये एक्सक्रीट करवाता है। इसीलिए यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, वो रेगुलेट कर रहा होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट की मूवमेंट को कि उन्होंने कब यहाँ से एक्सक्रीट होना है। और लीचेस में मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है मेनली अमोनिया होता है, और इनमें यूरिया भी हो सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं जो एक्सक्रीटरी इसका पूरा ये स्ट्रक्चर है वो वाटर की रेगुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है।